शोपियां जिले में सिंचाई विभाग पूरी तरह फेल। शोपियां जिले में हर नाले की सफाई नहीं हो रही। इस साल मेन टाउन शोपियां में एक भी नाले की सफाई नहीं। लोगों ने हर विभाग को अच्छा काम करने को कहा, लेकिन यह विभाग जमीन पर सक्रिय नहीं। लोगों ने बताया यह विभाग लंबे समय से सो रहा है। किसानों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि पानी उनके बगीचे तक नहीं पहुंचता। इस कारण किसान अपने बगीचों में स्प्रे नहीं कर पाते। स्थानीय लोगों से जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लें और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करें। मीर सज्जाद की खास रिपोर्ट। आपने पिछले कई सालों से फिर कई महीनों से देख रहे हैं कि जो ये ग्रेटकोल नाम से ये जानी जाती है, तो ये सारे शोपियान के जो खेत खलियान हैं इसको ये सहराब करती थी। मगर बदकिस्मती की बात है कि इसको देखिए इसकी पोजीशन क्या हो गई है। तो हम आपके माध्यम से ये गवर्नर इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, अगर शोपियान में सारे डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो न जाने क्या बात हो गई है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो शोपियान का है, इरिगेशन डिवीजन, वो पूरी तरह से नाकाम हो गया है। उसके मुलाजिम जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं और हम जो ज़मींदार लोग हैं, हम परेशानी के आलम में इस वक्त मुब्तला हो रहे हैं कि किसी भी जगह पानी नहीं है। और जो ये कोल है, ये ग्रट कोल के नाम से जो ये पुकारी जा रही है, डिपार्टमेंट भी इसी नाम से इसको पुकारा जा रहा है, तो ये शोपियान टाउन के बीच में से जा रहे हैं। हम आपकी मीडियम से यही बात गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर इरिगेशन डिवीजन कोई काम नहीं कर सकता है तो शोपियान के लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट को वाइंड अप कीजिए, नई भर्ती कीजिए जो लोगों की खिदमत कर सके। तो ग्रेट कोल जो है, तो इसमें कौन सी परेशानी आ रही है कि इसके न साफ सफाई का कोई इंतजाम है न कुछ है। आपने देखा है कि इस साल इसकी सफाई भी नहीं हो रही है। हम आपके मीडियम से हाथ जोड़ के गवर्नर इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं, खासकर सचिन कुमार जी से अपील करना चाहते हैं, वो यहाँ खुद आके इस ग्रटकोल का मायना कीजिए और हम लोगों को इस मुश्किलात का अजाला करने में पेश रहे। जिस तरह वो आगे डेवलपमेंट के कामों में पेश होते हैं, तो इस ग्रटकोल की तरह खसूसी तवज्जो दी जाए ताकि हम लोग अपने बागों को सैराब कर सकें।